ओके, तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में, बट उससे पहले कुछ चीजों पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था तो मैं सोचा कि सबसे पहले आप ही के साथ डिस्कस करूँ। उन्होंने बताया था कि मुझे वेदर रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, क्योंकि एक कोई है व्यूअर हमारे, उन्होंने मुझे कॉल करके कल रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें वेदर रिपोर्ट चाहिए होता है, किस दिन सिटी किस सिटी में क्या है, सिटी के हिसाब से। मान लीजिए उदयपुर का वेदर रिपोर्ट चाहिए या फिर पटना का वेदर रिपोर्ट चाहिए, तो शहर का नाम लिख के उनका वेदर रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट है। और जैसे कि उनका जो काम है ना सर, फील्ड का काम होता है, तो फील्ड में कुछ सामान वगैरह भेजते हैं तो बताना होता है कि कुछ शहर में वेदर कैसा रहेगा, उस हिसाब से उनका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अरेंज किया जाता है। कंपनी है मतलब कि वेदर अगर साफ रहेगा तो क्या बोलते हैं वाटरप्रूफ पैकिंग होगी, नहीं साफ रहेगा तो नॉर्मल पैकिंग होगी, और सामान उसी तरह से होगा। तो ऐसा सामान तो नहीं जो पानी को अब्सॉर्ब करता है, नमी को अब्सॉर्ब करता है, उस हिसाब से जो है ना ऑर्डर वगैरह का शिपमेंट वगैरह तैयार करते हैं। तो कैसे करें, लाइव वेदर रिपोर्ट चाहिए उनको। तो जैसे कि मैंने यहाँ है, आपको टाइम एंड डेट डॉट कॉम वेबसाइट है जहां से वेदर रिपोर्ट निकल के आती है, वो साइट पे मैंने मुजफ्फरपुर सर्च सिटी को सर्च किया था, मुजफ्फरपुर सिटी को सर्च किया तो यहां पे वेदर रिपोर्ट ग्राफिकली आ गए और यहां पे स्टैटिकल आ गए 9 से लेके 23 जुलाई तक पूरा डिटेल में, टेम्परेचर क्या होगा, वेदर कैसा रहेगा, क्या है, विंड कितनी चलेगी, ह्यूमिडिटी कितना होगा, चेंज कितना होगा, नॉर्म कितना होगा, ये सारा यहाँ पे दिया होगा। अब मुझे इस टेबल को एक्सेल शीट पे चाहिए। ओके, समझे? हमने इस लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डेटा में गए इस डेटा मेनू बार में एक्सेल में, और यहां पे आता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब के ऊपर इस लिंक को रखा एंड ओके किया। उसके बाद ये डिटेक्ट करेगा कि इस साइट कितने डॉक्यूमेंट को डिटेक्ट किया और यहाँ टेबल को डिटेक्ट किया। तो जैसे कि आपने देखा है ऊपर वाला चीज नहीं दिखेगा क्योंकि ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल डेटा को नहीं आता है। हाँ, लेकिन जो टेबल डेटा है, ये आपका 2 वीक्स दिख रहा है टेबल का, तो टेबल का डेटा आ जाता है। तो टेबल डेटा आ गया, इसको इसने यहाँ पे लोड कर दिया, ये हमारा लोड हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ये तो हम और आप इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे आप देखें रिपोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनके पास इस तरह की है तो उनको हर बार ये चीजें करनी पड़ेगी ना। क्या कुछ इसका हो सकता है कि हम जस्ट रन सिटी नेम दे, रन करे और वर्क कर जाए? इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चलिए रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कैसे? हम मैक्रो यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड। पहले देखें कोई क्यूरी तो नहीं है, एंड ओके। उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, अभी क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा देर आपको। लाल लिंक जो हमने कॉपी किया था, उस लिंक को फ्रॉम वेब यहाँ पे पेस्ट कर, इनवर्टर को मान होना चाहिए। फिर मैं टेबल को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लोड कर आ गया और इसको स्टॉप करते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ आप जो है टेबल जो 0 आता है उसको डिलीट कर दीजिए। है इसके माइक्रो प्रोग्रामिंग जो भी है उसमें डेवलपर माइक्रो माइक्रो फाइल एड। अब इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि टेबल 0 है और यहाँ पे क्या है आपका पाथ। पाथ दिख रहा है? तो सबसे पहले तो इस URL जो हमने डाला था उसको यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया और इसने यहाँ URL को ब्रेक किया, मैं ब्रेक करके सिटी को लिस्ट किया। कैसे किया जो मैं आपके सामने दोबारा कर,
क्लिक करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और हमने इसको सिलेक्ट किया, पटना को हटा दिया, पटना की जगह पे बी वन कर दिया और फिर एंड परसेंट और इसको रख दिया इसमें। जो सिटी में यहां डालूंगा उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा, पर माइक्रो में आप यहां लिंक दिख रहा है, अब इस लिंक को इससे लिंक करना है। तो अभी जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा है तो मैं एक इन्वर्टेड कॉमा इधर भी लगा देता हूं, एक इन्वर्टेड कॉमा इधर भी लगा देता हूं और बीच में एंड परसेंट लगाता हूं जो कल मैंने लगाया था और यहां देता हूं रेंज A1 dot value और फिर यहाँ पे एंड परसेंट देगा। ओके एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या पटना का रिपोर्ट आता है। आ गया। अब मैं इस सिटी को डिलीट कर जगह पे मान लीजिए मैं यहां उदयपुर का चाहता हूं, रन करता हूं, लेकिन यहां पे दिक्कत है, ये रन नहीं होगा। सॉरी रन नहीं, क्यों नहीं रन हुआ? टेबल जीरो इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बात कीजिए यहां पता चलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां जैसे कि आप डेटा निर्वाह में अगर आप क्यूरी कनेक्शन पे जाए तो टेबल जीरो नाम का कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इस नाम का कनेक्शन आप नहीं बना सकते, समझे? इस नाम का कनेक्शन आप नहीं बना सकते। तो मैं पिछले कुछ देर से इसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई पटना उदयपुर इस तरह से बन जाए, बट इसमें एरर दे रहा है। मैं इसको रन करता हूं, हो गया, ये आपका उदयपुर डेटा नहीं आया, डेटा नॉट कंप्लीट क्योंकि उदयपुर का डेटा अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। चेक कर लेता हूं कि क्या सही है, कॉपी करता हूं। बात सही, उदयपुर का डेटा कंप्लीट नहीं है। होता तो हो जाता, तो मैंने इसमें क्या चेंजिंग किया, अब ये ध्यान लीजिए कि हो गया उदयपुर की जगह पर, मान लीजिए मैं उदयपुर हटा देता हूं, इसको स्टॉप कर देता हूं, उदयपुर की जगह पे मान लीजिए मैं जयपुर करता हूं, जयपुर का होना चाहिए, एक बार इसको रन करता हूं, आ गया आपका टेबल ए जो पहली माइक्रो था वो सही से वर्क नहीं किया था, तो मैं इसे हटा देता हूं। तो दो माइक्रो में रिकॉर्ड करके चेंज किया। अब बोलोगे सर इसमें क्या चेंजिंग कर दिया कि हम यहां पे 6 पे सिटी नेम देंगे और मुझे इसका डेटा एक नई सीट पे आ जाए क्या? क्योंकि इससे हमने जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग की उसमें हमने क्या किया था, जैसे पाथ चेंज किया था ना, इससे क्या हो रहा था कि इससे भी आपका होगा लेकिन पहले से जो प्री डिफाइंड टेबल जीरो नाम का जो क्यूरी कनेक्शन है उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नाम के दो क्यूरी कनेक्शन नहीं बना सकता। आप इसको डिलीट कर देते हैं तो आप कर सकते हैं इसको, समझे?
लेकिन सिटी के वाइज बन जाए क्यूरी ताकि आगे चल के भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था। यहाँ पे देखिए जहां जहां हमारा टेबल जीरो था ना, टेबल जीरो, उस जगह पे मैंने क्या किया है, रेंज और सिटी को उसे दे दिया है। सिटी दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने इसका नाम सिटी डिफाइन किया हुआ, सिटी है तो सिटी दे दिया। लेकिन आप बोलेंगे सर इससे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से तीन को दिए, क्योंकि जनरली तो एक इन्वर्टेड कॉमा देते हैं ना, तो तीन इन्वर्टर कॉमा देने की पीछे रीजन ये है कि उसको जो पाथ चाहिए वो ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में ही चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे जयपुर चाहिए, वो जयपुर इसी तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए। अगर आपको इस तरह शो करना है तो आपको डबल जीरो और यहाँ पे जयपुर, फिर यहाँ पे डबल जीरो हो गया, इसमें तीन बार जीरो डालना पड़ेगा। दो इन्वर्टर कॉमा के बीच में एक इन्वर्टर कॉमा आया जाए, वो समझे? ठीक है। तो इसी चीज के लिए हमने यहां भी तीन डाले, क्योंकि रेंज भी चाहिए और इन्वर्टर कॉमा के बीच में चाहिए। आप यहां देख सकते हैं ना, यहां पे देखे इन्वर्टर कॉमा के बीच में है, यहां भी देखे डबल इन्वर्टर कॉमा लगा हुआ है ना सर। तो आपको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा शो करने के लिए यहाँ पे हमने इसी लगाया। तो जहां जहां टेबल जीरो था वहां वहां हमने कौन करना नेम कर दिया है उसका सिटी। सिटी मेरा फुल्ली ऑटोमेटेड। अब कनेक्ट मतलब है कि मुझे इतना बड़ा प्रोग्रामिंग, अब जैसे मैं नॉर्मली अगर लिंक करूंगा तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं हो, जैसे इसमें जो आपको दिख रहा है ना ये सब चीजें जो है देने की जरूरत नहीं है। जो हम खुद टाइप करेंगे तो एक कोड दो या तीन लाइन की रहेगी, ओके दो या तीन लाइन की रहेगी। लेकिन कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए हमने बस थोड़ा बहुत चेंज किया और मेरा काम हो गया, तो क्यों हम जाए मैनुअल लिखने? क्या आपको समझ में आ गया होगा? यो हाँ, एक ये पूछना था, जैसे आपने इस बी बी वन को आपने सिटी का नाम दिया है, अगर मैं इसमें से कोई भी सिटी का वेदर देखना चाहूं तो वो अब जब जैसे वो अपलोड हो, हाँ बी वन को चेंज करूंगा मैक्रो अंदर, हाँ, बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास हर रोज का वो टेबल हो कि आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की क्या क्या वेदर था फॉर लास्ट वीक, मुझे डिलीट ना करना पड़े। वो कर देगा जैसे आपने बोला था कि टेबल जीरो है, आपको डिलीट करना पड़ा देन वो रन किया? नहीं, जैसे कि नहीं समझे कि यहाँ अपडेट होगा तो अपने आप अपडेट हो जाए, लिंक है यहाँ अपडेट होगा तो जैसे टैब ओपन करेंगे अपने आप अपडेट हो जाएगा। ओके, अगर सेम ही आज का मैंने वेदर यहाँ पे देखिए 9 से लेके 23 जुलाई तक है, कल मैं इस फाइल को इस वेबसाइट को खोलूंगा ना सेम लिंक को तो 10 से लेके 24 जुलाई तक होगा, समझे? हाँ नहीं, वो तो सही है। जैसे आज मैंने ये वेदर रिपोर्ट मैंने बनाई, मैंने इस लिंक से डेटा लिया तो वो मेरा एक टेबल के फॉर्म में एक्सेल पे आ गया और नेक्स्ट डे तो जो आया ना सर वो लिंक हो गया इस साइट से, साइट पे चेंज होगा तो डेटा पे रिफ्रेश कीजिए अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं बोलूं कि मैं टेबल डिलीट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि हर रोज मेरा टेबल डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डिलीट कब करना है, नया कनेक्ट करना है। ओके, आपने अगर जयपुर का कनेक्ट कर लिया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा जयपुर का मैक्रो रन करने की जरूरत ही नहीं है, बस उस टेबल को आपको रिफ्रेश करना है। इसे देखिए, मैंने मैक्रो को यहां से रन किया, मैक्रो नंबर 4 जयपुर का डेटा आ गया। अब मुझे कल जो है जस्ट इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है? रिफ्रेश करते डेटा मेरा अपडेट हो जाए, या फिर आप इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहां पर रिफ्रेश देन द ओपनिंग फाइल, ये अपने आप ओपन करते समय रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है?
आप मान लीजिए कि अगर मैंने दिल्ली का डेटा लेना हो सेम टुडे, बिकॉज अब मैंने पहले मैंने जयपुर का लिया और अब मुझे दिल्ली का चाहिए, तो ये टेबल वो डिलीट कर देगा? नहीं, ये रहेगा, ओके मैं मान लीजिए, अब चलिए मुझे जैसे आपने बोला पटना का चाहिए, मान लीजिए पटना का, ओके अब मैं इस को रन करता हूँ, तो देखिए आपका जो C21 को ऐसे एग्जिट छोड़ दिया है जयपुर को, C22 में देखिए पटना का दे दिया, यहाँ पटना ओके कर रहा है। ठीक है ठीक है। नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको अगर आपने किसी और सिटी का डेटा लेना है तो आपको पुराना सिटी का डेटा डिलीट नहीं, करना वो तो पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था इसमें जब मैंने चेंज नहीं, एक थोड़ा सा चेंज किया था, आपको आपसे ध्यान से देख ये जो माइक्रो फाइव था ना, ये मैंने जस्ट एक लिंक को चेंज किया था, बाकी चेंज नहीं किया। इसमें क्या है कि आपको अगर दूसरे सिटी का डेटा चाहिए तो पहले सिटी का टेबल डिलीट नहीं करना है, क्यूरी कनेक्शन, यहां आपने क्यूरी कनेक्शन डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर जयपुर का क्यूरी कनेक्शन डिलीट कर देता हूं तो डेटा रहेगा, पर अब डेटा चेंज नहीं होगा, समझे? मतलब कि मैं इसको रिफ्रेश करूं तो नहीं कर सकता, रिफ्रेश करने पे डेटा वापस चेंज नहीं करेगा, बिकॉज आपने वो डिलीट कर दिया क्यूरी कनेक्शन। समझ गए? ठीक है। डाउट इसमें? अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो एक चीज और यहां पे देख सकते हैं, मैं इस फाइल को हटा देता हूं।